press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिग बॉस 13 अपने फिनाले से बस कुछ कदम की दूरी पर है। इससे पहले घर में कई ट्विस्ट देखने को मिले। हाल ही में रश्मि देसाई एलीट क्लब की मेंबर बन गई। बुधवार को दिखाए गए एपिसोड में पहले बिग बॉस ने पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया। अब बिग बॉस उन्हें एक इम्यूनिटी टास्क देंगे जिसमें कंटेस्टेंट खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं शो का एक प्रोमो सामने आया है। इस टास्क में पारस छाबड़ा एक बार फिर टास्क को रद्द कराने की पूरी कोशिश करेंगे और सारी हदें पार कर जाएंगे। इस टास्क की संचालक रश्मि देसाई हैं। इस टास्क में पारस, माहिरा, शहनाज और आरती को एक कछुए के शेल के अंदर रखा जाता है। टास्क के नियम के अनुसार किसी भी कंटेस्टेंट को सिर्फ सिर के अलावा शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं निकालना है। टास्क में शहनाज देखती हैं कि माहिरा का हाथ शेल से बाहर है, तब वो रश्मि को बुलाती हैं और कहती हैं माहिरा को बाहर करो क्योंकि उसका हाथ बाहर है। तब रश्मि ध्यान से देखती हैं और माहिरा को आउट करती हैं। माहिरा खुद को बचाने के लिए अपनी दलीलें पेश करती हैं, लेकिन संचालक का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता है। इसके बाद यही चीज़ पारस के साथ भी होती है। पारस और माहिरा दोनों को टास्क से बाहर कर दिया जाता है। शहनाज इसके बाद सबसे कहती हैं कि ये उनकी चाल थी। तब माहिरा कहती है उन्हें अपनी दोस्ती निभानी चाहिए थी। तब शहनाज कहती हैं कि हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं थी। ये सब देखकर पारस भड़क जाते हैं और शहनाज को परेशान करने के लिए उन पर मिर्ची और पाउडर फेंकते हैं। इसके बाद भी जब शहनाज बाहर नहीं आती हैं तो वो गुस्से में आकर आरती और शहनाज के ऊपर से भी सेल्स हटा देते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। रश्मि के मना करने के बाद भी वो नहीं रुकते। पारस बिग बॉस से भी नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्होंने शहनाज और रश्मि का साथ दिया। आज इस टास्क का रिजल्ट सामने आएगा।